नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है, क्या वो पास हो जाएगा? क्या पूरे देश में 2029 में पंच से लेकर के प्रधान तक हम एक ही बैलेट बॉक्स पे चुन लेंगे? क्या वास्तव में ये जो सोच है या जिस प्रकार की समिति ने सिफारिश किया है, उसके सारे संशोधन नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले शीत सत्र में पारित करा लेगी? ऐसे ही बहुत प्रश्न आपके मन में होंगे। फिलहाल जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 2023 से ही बड़ी सरगर्मी चल रही है, और वैसे तो देश के प्रधानमंत्री बहुत पहले बोल चुके हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि क्या सरकार के पास इतनी मेजॉरिटी है कि इसको पास करा लें। आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें 18 संशोधन संविधान में करने होंगे। 18 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो बहुत ही आवश्यक है, बिना उसके ये संशोधन के वो वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव नहीं हो सकता है। कई तरह की बातें सरकार ने इशारा कर दिया है कि आवश्यकता पड़ी तो इसको JPC में भी डाला जा सकता है। फिलहाल अभी सरकार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और माना जा रहा है कि शीत सत्र में इस बिल को पारित करा लिया जाएगा। इस बिल को पारित कराने में क्या क्या अड़ंगे आने वाले हैं, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। जहां पर मोदी ने अपना प्लान बनाया है वन नेशन वन इलेक्शन का, वहीं पर विपक्ष ने भी मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। हम ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि विपक्ष की क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं वीडियो में कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये पारित करा पाएगी आसानी से? तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि इस पूरे विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत से अधिक का बहुमत चाहिए। अगर बात करेंगे लोकसभा में तो लगभग 352 सांसदों का समर्थन इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए चाहिए। अगर हम बात करें तो NDA के पास सिर्फ 300 कुछ सांसद ही उनके पास हैं, और ऐसी परिस्थिति में NDA लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी अगर जो आर्टिकल 83 का जो परिवर्तन कराना है, वहाँ भी बड़ी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में NDA के पास मात्र 116 सांसद होंगे, जबकि बात करेंगे विपक्ष के पास तो उसके पास 80 से ज़्यादा सांसद हैं, और ऐसी परिस्थिति में वहाँ भी भारी संकट दिखाई पड़ रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को। अगर उन दोनों ही परिस्थितियों से कैसे निपट पाएंगे? क्या विपक्ष के भी कई दलों को ये अपने साथ लेकर के आएंगे? क्या वास्तव में कुछ लोग वॉकआउट करके इनको समर्थन देंगे? ऐसी बहुत सी तिकड़ी है जो सरकार हथकंडों को अपना सकती है। हमने ये भी देखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद भी कई विधेयक अपने दूसरे कार्यकाल में पास कराए थे। हो सकता है वैसा ही कोई तरीका ये अपना ले, जिसमें उड़ीसा के बीजू पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल, उसने, और वहीं पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि YSR रेड्डी की जो सरकार कांग्रेस से थी, उसने भी इनका परोक्ष रूप से समर्थन किया था, और उसी के कारण ये कई विधेयक पारित कर रहे थे। वहीं पर कई ऐसे भी विपक्ष की पार्टियां थी छोटी, जो वॉकआउट कर जा रही थी, जिससे सदस्य संख्या घटने पर ये पारित करा लेते थे। लेकिन अभी कठिन बहुत डगर है, बहुत कठिन डगर इसलिए है कि ना तो इनके पास 352 सांसद हैं और ना ही इनके पास राज्यसभा में 162 सांसद हैं, जिसकी आवश्यकता वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को पारित कराने में होगी। अब बात करते हैं अगर ये विधेयक वहाँ से पारित हो जाता है तो और इसमें अड़चनें क्या आने वाली हैं। आपको बताएं, इसके बाद राज्य विधानसभाओं में भी 50% राज्य सरकारों में भी इस विधेयक को पास कराना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों को अगर मिला देते हैं तो इसमें BJP के पास और उसके सहयोगी दलों के पास लगभग 17 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी ये कमाल कर देते हैं और इस विधेयक को पास करा लेते हैं जैसे कि उनका प्लान बन रहा है, तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आसानी से ये काम होगा? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी के इस प्लान के आगे मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोगों ने विपक्ष के नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस वन नेशन वन इलेक्शन पर कौन किसका समर्थन कर रहा है। तो आपको बता दें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, यानी जिसको NDA आप कह रहे हैं, उसमें लगभग 32 दलों का समर्थन इन्हें प्राप्त है, और वो सारे के सारे दल इस समय सरकार में भी हैं। अगर हम बात करें तो उसमें से मायावती ने भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को समर्थन दे दिया है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन पर समर्थन दिया। लेकिन बात यह आती है कि मायावती के समर्थन से क्या कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मायावती के पास
सदस्यों की संख्या उतनी नहीं है कि जिससे वो सरकार को कोई फायदा बहुत फायदा पहुंचा सके, लेकिन उनका नैतिक समर्थन भी सरकार को काफ़ी हद तक सुकून देता है। लेकिन बात जब आती है विपक्ष की तो विपक्ष ने भी तगड़ा माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया है। विपक्ष तो सत्ता पक्ष पर भी डोरे डालने की बात कर रहा है और कह रहा है कि हम उन लोगों को भी तोड़ेंगे। फिलहाल देखना यह है कि नवंबर के शीतकालीन सत्र में क्या मोदी के मास्टर प्लान पर विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक लगेगा, क्या विपक्ष उसको पास नहीं होने देगा। फिलहाल विपक्ष की तो पूरी की पूरी नीयत यही है कि इसको रोक दिया जाए। वहीं पर अखिलेश यादव का जो बयान आया है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जेपी नड्डा के बाद दूसरा अध्यक्ष आप नहीं चुन पा रहे हैं जिसमें वन पर्सन वन डिसीजन की बात है, तो लगता है दो पर्सन और दो डिसीजन की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। फिलहाल देखना यह है कि विपक्ष काफ़ी तेवर में दिखाई पड़ रहा है। जब से इस बार विपक्ष ने नरेंद्र मोदी की भाजपा को 240 पे रोक दिया है, उसके बाद तो उसका उत्साह देखते ही बनता है। सदन के अंदर अब शीतकालीन सत्र में ये स्थिति देखने को मिलेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो इस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और मोदी के नेतृत्व में चल रहा है वो पास करा पाएगा। चूंकि आपने देखा कि पहली 2024 का जो पहला सत्र चला अगस्त में, जिसको मानसून सत्र कहा गया, उसमें नरेंद्र मोदी को कई मामले में अपने पैर पीछे हटाने पड़े, चाहे वो लिटरल एंट्री का मामला हो और चाहे वो सूचना विधेयक का मामला हो, इन दोनों ही मामलों में उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे लिया है। और ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं चाहते हैं। हो सकता है उसका एक तरीका वो तय करें कि वो उस मामले को जेपीसी में भी भेज सकते हैं। फिलहाल ऐसी संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही हैं। जिस प्रकार अमित शाह ने अपने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आक्रामकता के साथ वक्फ बोर्ड सहित वन नेशन वन इलेक्शन पर बोला है, उससे लग रहा है कि सरकार और विपक्ष में रार होना तय है। ऐसे ही वीडियो विश्लेषण देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। थैंक यू वेरी मच।